चुनावी मंच हो या आम जनसभा, बस एक ही बात सुनने को मिलती है कि हमारी सरकार ने अपराध पर नकेल कसने का काम किया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात आम जनता बखूबी जानती है। बता दें कि आपने अभी तक बदमाशों को व्यापारियों या फिर किसी दुश्मन को धमकी देने की बात सुनी होगी या खबरों में पड़ी होगी, लेकिन आज अपराध पर नकेल कसने की बात करने वाले नेताजी को ही जान से मारने की धमकी मिली है। औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में उन्होंने औराई कोतवाली में महादेवपुर केयर मऊ निवासी दिलीप दुबे के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन पर धमकी देने के साथ ही साथ गाली भी दी गई है। बीजेपी विधायक का कहना है कि बीती जनवरी में भी दूसरे मोबाइल नंबर से फोन कर किसी ने गाली गलौज की थी, संभवतः इसी ने फोन किया होगा। इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले में समझौते को लेकर ये शख्स विधायक पर दबाव बना रहा था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि विधायक दीनानाथ भास्कर की तहरीर पर औराई कोतवाली में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में भदोही जिले के केयरमऊ गांव निवासी दिलीप दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। थाना औराई पर माननीय विधायक औराई श्री दीनानाथ भास्कर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि एक दिलीप नामक व्यक्ति द्वारा उन्हें फोन करके गाली गलौज किया गया है। इस तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 3 महीने पहले दुबे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋषि शुक्ला को फोन किया था और विधायक भास्कर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ऋषि शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि पहले मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।